You're welcome to module twenty three of Introduction to Data Science Course. We will continue over uh, you know coverage of different cloud platforms or today, we platform ko cover kareenge. that is one of the major players in the industry Microsoft kanam obviously so now we thanks to Windows and Office, which is almost everywhere you know. हमारे जो देर वेरी फ्यू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप कोई भी लैपटॉप यूज़ करते हैं डेस्कटॉप यूज़ करते हैं टू सम एक्सटेंट मोबाइल पे भी आपको विंडोज़ के मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है सो यू आर अवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज दे हैव इज़ दैट दे हैव बीन अ टेक्नोलॉजी कंपनी दे स्टार्टेड देयर जर्नी में भी अबाउट थर्टी ईयर्स बैक और नो दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट यू नो टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द वर्ल्ड इसी तरह क्लाउड में भी दे हैव वी डू नॉट नो एग्जैक्टली जैसे मैंने गूगल की बात की ए की बात की और हु इज़ द बिगर और हु इज़ द बिगेस्ट और हु इज़ द रनर अप लेकिन दे हैव देयर अप्रोप्रिएट शेयर इन द मार्केट और ड्यू टू विंडोज़ ड्यू टू ऑफिस 365 फिर इनका जो अपना एक्सचेंज सर्वर है या आउटलुक है जो कि हॉट है ये ऐसी चीज़ें जो कि इनको दे गेट्स सम एडवाटेज इनहेरिटेड एडवांटेज इनको मिलता है कि जो लोग इस वक्त मोस्टली दुनिया में अगर आप देखें तो अगर हम ऑफिस की बात करते हैं ऑफिस मीन हमने वर्ड में कोई टाइपिंग करनी है इंग्लिश में हमने हमें वो वर्कशीट चाहिए एक्सेल जिसे हम कहते हैं तो कई और लोग आए हैं मार्केट में दे ट्राइड आई नो एटलीस्ट फॉर लास्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ईयर्स कि डिफरेंट प्लेयर्स मार्केट में आए हैं बट नो इवन कि ये जो पावर पॉइंट है जिस पर आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं दैट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ये भी उसका हिस्सा है फिर विज्यो है कोई ड्राइंग के टूल हैं और बेशुमार टूल्स हैं जो कि दे आर सिक्स सेवन मेजर कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी वन हु एवर इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर नॉट मोबाइल पर से बट जो कोई बंदा लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करता है ही इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उनकी प्रोडक्ट या सर्विसज को यूज़ करता है इस तरह इनकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं दे हैव दिस एडवांटेज और वो अब ये सारी चीज़ें फिजिकल सर्वर से या आपके जो प्राइवेट सर्वर से आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड पे इनके जो पब्लिक क्लाउड है उस पर शिफ्ट हो रही हैं गूगल की तरह ये भी आपको फ्री अकाउंट ऑफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जैसे मतलब टू हंड्रेड प्लस प्रोडक्ट हैं जिसमें इनके सी आर एम अगर हम कॉरपोरेट वर्ल्ड से आप थोड़ी बहुत आपकी एकटेंस है आप समझते हैं अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनके पास है माइक्रोसॉफ्ट डाइमिक्स के नाम से बेसिकली दे हैव थ्री फोर प्रोडक्ट या ईआरपी आर मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा आप जस्ट सर्च ईआरपी ऑन द इंटरनेट और या माइक्रोसॉफ्ट ईआरपी तो आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डाइनामिक्स ए है ग्रेट प्लेन्स है एक आधा और भी है. इनके अपने तीन चार ई आर पी सिस्टम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के इसी तरह फिर एक सी आर एम ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो भी इनका अपना है फिर डेटाबेस बेस है इनका माइक्रोसॉफ्ट सीकल सर्वर इनका अपना है यू नो सो ये वो चीज़ें जिनकी ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है यू नो अगेन एस मार्केट में हम इनके जो ई आर पी देखें सी आर एम देखे, डेटा बेसिस देखें तो दे दे कंपीट विद मार्केट लीडर्स लाइक आई बी एम और सैप बट क्योंकि इनकी जो टारगेट इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है देयर मोस्टली इन द मिडल टीयर ऑफ द मार्केट और वो डेफिनेटली बड़ी होती है ऊपर कम कस्टमर होते हैं मिडिल टीयर में ज़्यादा कस्टमर होते हैं और जो एंट्री लेवल पे उससे भी ज़्यादा होते हैं तो इनका जो ऑडियंस है दैट इज़ द मास मार्केट जिसमें एंट्री लेवल से लेके मिड लेवल तक की एस स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज़ और वो, वो सब लोग इनके कस्टमर हैं तो वो प्रेफर करते इस तरह के प्रोडक्ट जो कि सस्ते होते हैं दिस इज़ देयर एडवांटेज और एज ए सैट दे आर इन द इंडस्ट्री एटलीस्ट मुझे ये पता कि मैं माइक्रोसॉफ़्ट कि जो इनका एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था दैट आई यूज्ड टू यूज़ इन लेट ऐटीज़ एटी नाइन या एटी एट वगैरह में दैट वाज माय फर्स्ट यू नो इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर उस वक्त इनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था डॉस उसे कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो इतनी पुरानी कंपनी है ये एज़ कम्पेयर टू गूगल और ए डब्ल्यू तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ वेरी वेरी ओल्ड एज़ फार एज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर इज़ कंसर्नड तो ये भी आपको वही फ्री आप इनका भी वो टीम्स का सॉफ्टवेयर देते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए जो आपने ऑनलाइन मीटिंग करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप जिसको कहते हैं वो फ्री है इनका इसी तरह हॉटमेल का अकाउंट फ्री है या आउटलुक का अकाउंट फ्री है और भी कुछ चीज़ें फ्री देते हैं और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आप सबके लिए दैट इज़ कि ये आपको मशीन लर्निंग की इन्वामेंट देते हैं इनके अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं राइट वो आपने ये आपको फ्री ऑफ़र करते हैं कि आप वो जो कंपोनेंट्स हैं मशीन लर्निंग और वो आप अपने नाम से जाएं उस पर इनकी वेबसाइट पे गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट क्रिएट करें एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड दे गिव यू फ्री उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो फ्री की जो नंबर ऑफ आवर्स जो आप उस पर काम कर सकते हैं जो डेटा आप स्टोर कर सकते हैं वो दैट इज़ एन मोर देन एनफ फॉर यू एज स्टूडेंट्स तो ये एक इन्होंने अपनी एक डिस्टिंगशन रखी है कि दे ऑफर यू स्पेशली गेन आई डी आई टी रेट और भी लोग बहुत सारी फ्री चीज़ें देते हैं लेकिन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के पॉइंट डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट आपको जो ऑफर कर रहा है वो दैट इज़ अट डिफरेंट और मे बी यू विल फाइंड सम एडवांटेज इन दिस और ये फ्री का इनको फ़ायदा ये है कि अगर आज एज स्टूडेंट आप इनकी चीज़ों को फ्री यूज़ करते हैं तो कल एज अ प्रोफेशनल यू विल बी यूज टू देयर यू नो स्टाइल ऑफ द डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग एंड ए आई एन एम एल एन बुला 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 तो वो फिर सारा आपको बड़ा उसका एडवांटेज है आपसे आप ये समझें कि आज ही आप में इन्वेस्ट करें एज अ स्टूडेंट कल को जब आप जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू विल बी यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड दैट इज़ हाउ दे विल जनरेट रेवन्यू फ्राम यू नो दिस इन्वेस्टमेंट और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिस्कस करने वाली बाकी चीज़ दैट इज़ डेव्स ये डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन को आप वो हमने ये शुरू में जो रोल में भी डिस्कस किया था जो डिफरेंट स्किल्स uh, होनी चाहिए कि एज अ कम्प्रीहेंसिव डेटा साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों के अलावा आपको डाइवर्स भी आना चाहिए कि जो कोड आप डिवेल्प करते हैं उसको आप डिप्लॉय भी खुद कर सकें तो उसके लिए देर इज अ कॉन्सेप्ट सी आई सी डी कॉन्टिन्यूस इंप्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट उसका प्लेटफॉर्म भी माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है तो ये कुछ और फीचर्स के साथ ये दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज कि आप एंड टू एंड इनके प्लेटफॉर्म से एडवांटेज ले सकते हैं इसके अपने अगेन एज आई सेड के डिफरेंट मार्केटिंग गिमिक्स एक चीज़ होती है कि वो हरे के अपने अपना तरीका क रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एंड रेवेन्यू जनरेट करने का और वो फिर इसमें यही है जी कि आप अगर इनकी क्योंकि चीज़ें आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो फास्टर टाइम टू मार्केट चीज़ें सिक्योर हैं आपको यू विल गेट यू नो फ्री अकाउंट्स एंड स्टफ़ लाइक दिस तो ये बेसिकली इनका ओवरऑल एक जस्ट टू समराइज ये अब आपकी मर्जी है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे भी डिपेंड करता है बट यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल ये जो तीन हमने डिस्कस किए देर द मार्केट लीडर्स इसके अलावा और भी मार्केट में प्लेयर्स हैं जैसे मैंने हुवे का नाम लिया और कल आई बी एम एंड समर प्लेयर्स बट ये ये मैक्मम चीज़ें आपको फ्री भी मिलेंगी इन ये जो तीन प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किए हैं थैंक यू